दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों के घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि गैस सिलेंडर के नीचे बने रिंग वाले हिस्से पर आखिर ये छेद क्यों होता है? दोस्तों, मौजूदा दौर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में देखने को मिलता है। एलपीजी गैस सिलेंडर की मदद से खाना तेजी से बनता है और लकड़ी के चूल्हे की अपेक्षा प्रदूषण भी कम फैलता है। दोस्तों, सिलेंडर हमारे काम को जरूर आसान कर देता है, लेकिन इसकी देखरेख ठीक से करना भी जरूरी है, वरना सिलेंडर फटने की वजह से कई बड़ी जानलेवा दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। दोस्तों, सिलेंडर बनाने वाली कंपनियां बात की जिम्मेदारी लेती है कि वह जो सिलेंडर लोगों तक पहुंचा रही है वह बेहद सुरक्षित हो। सुरक्षा को देखते हुए ही सिलेंडर के नीचे रिंग वाले हिस्से पर छोटे छेद किए जाते हैं। दोस्तों, इन छेद का काम सिलेंडर के तापमान को नियंत्रित करना होता है। कभी कभी सिलेंडर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, तब इस छेद का काम हवा को पास करने का होता है, जिससे सिलेंडर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आम भाषा में कहें तो यह छेद किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक देता है। इसके अलावा आपने अधिकतर सिलेंडर को लाल रंग में रंगा हुआ देखा होगा। आपको बता दें कि अधिकतर सिलेंडर को इसलिए लाल रंग से रंगा जाता है ताकि उसकी पहचान दूर से ही की सके। दोस्तों, इसके साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस गैस से आप अपना खाना पकाते हैं वह एलपीजी गैस गंधहीन गैस होती है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई गंध नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें बदबू के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से गैस में बदबू होती है। इस खास एलिमेंट की वजह से ही गैस के लीकेज का पता चलता है और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।